बच्चों, बिहार बोर्ड ने मैथ्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके लिए मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिया है। तो ये है हमारा 2020 में होने वाले एग्ज़ाम का मॉडल पेपर, जो कि गणित का है, मैथमेटिक्स का है। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स में वो 95 यानी कि 95 होंगे, और फुल मार्क्स जो है वो आपका 100 मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो विद्यार्थी को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन को जो है वो दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक खंड ए और खंड ब। तो यहाँ पे जो अ है उसको सेक्शन ए और जो ब है उसको सेक्शन बी, यानी कि दो भागों में बांट दिया जाएगा। आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 60 पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 50 का ही जवाब देना है। यानी कि ये जो 50 क्वेश्चन हैं आपके, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, MCQ, यानी कि इसके 4 ऑप्शन होंगे और एक को आपको टिक करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 50 ही बनाने हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा बनाते हैं तो जो शुरू के प्रथम जो आप 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे उन्हीं को माना जाएगा, उन्हीं को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के पैटर्न पे। तो ये है आपका पहला, यानी कि खंड ए सेक्शन ए। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 60 तक, जिसमें से आपको जवाब 50 क्वेश्चन के ही देने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, आपके सामने है। जैसे 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी अशांत होगा, आवृत्ति होगा, शांत होगा, इनमें से कोई नहीं। जो लोग इंग्लिश मीडियम में देंगे उनके लिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन ऑप्टेज। तो बिहार बोर्ड के साथ एक ऐसा कंडीशन है ना कि इसका जो एग्ज़ाम है आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो जो भी विद्यार्थी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उसमें इसके आंसर जो हैं वो दे सकते हैं। तो खैर, यहाँ तो आपको एक मिलेगा OMR शीट, जिसमें आपको एक नंबर क्वेश्चन है, तो A, B, C और D 4 बॉक्स होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई है एक, परिमेय, प्राकृतिक, अपरिमेय और पूर्णांक। तो सभी जानते हैं जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी को हमको क्या कर देना है, इसको पेंट कर देना है। ठीक है, और जैसे ही ये पेंट कर देंगे हमारा OR शीट का जो जवाब है वो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा OMR शीट में कि अगर आप एक बार पेंट कर दिए हैं, तो अगर मान लीजिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जा रहा है, आपको पता चल रहा है बाद में कि सी सही है, तो आप सी को पेंट करना शुरू कर दे रहे हैं, फिर भी आपका ये काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप 2 बॉक्स को पेंट नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं बस जल्दी जल्दी से अब आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, चूंकि 95 है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टली में निकल रहा हूँ। ये देखिए, 2 संख्याओं का म स प यानी कि HCF और LCM इतना है, तो एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा है जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको सिंपल से पता है, जिसके जो पावर होते हैं वो 2 होते हैं तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बकायदे जो एक्स के पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये तो रूट में है तो ये होगा नहीं, यहाँ ये होगा नहीं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शन में है। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो यहाँ पर ये जो बी वाला जवाब है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ये बी और डी को सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा जो जवाब है वो आपका होगा। इसका सरलतम रूप क्या क्या है, इसको कट करके जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है हम ला देंगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अधिकतम संख्या होती है, अब कितना होती है ये चेक करके बताइए। तो द्विघात है तो सिंपल सी बात है, 2 होती है। अब मैं आपको इसमें कोई जवाब नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस बार कैसा रहने वाला है।
तो आप आसानी से वीडियो को पॉज कर करके इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और इस पीडीएफ का, यानी कि आप चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर का अगर लेक्चर आपको मिले, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पर जाएंगे और वहाँ पर ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप नॉर्मली बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसे मोबाइल या लैपटॉप में देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब जल्दी जल्दी से मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूं कि इसका पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है इस बार 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास टेंथ का, उसके लिए। ठीक है, तो ये आसानी से आप देखिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके, 60 क्वेश्चन हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा, ओ आर एम सीट में जो आपका गोला है वो एक ही को करना है, दो को नहीं करना है। तो पहले ही पहले आप पूरा निश्चिंत हो जाएं कि हाँ ये आपका सही जवाब है, फिर ही उसको पेंट करें। ठीक है, पेंट करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल है। ये आपका सर्कल से रिलेटेड है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए, और इस तरीके से हम 50वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक सही सब सही सही कर चुके हैं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, या मान लीजिए कुछ ऊपर एक से लेके 50 तक कुछ क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ दिए हैं, आपको नहीं आया है, तो आपके पास 10 और एक्स्ट्रा ऑप्शन है। इसमें से कोई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके 50 क्वेश्चन को पूरा कर देगा। ठीक है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो पहला 50 क्वेश्चन होगा वहीं आपका काउंट किया जाएगा, बाद का जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 60 तक आके जो हमारा सेक्शन ए है यानी कि अखंड, ये हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा खंड आता है सेक्शन बी का, इसमें 27 क्वेश्चन जो होंगे ना, एक से लेकर 27 तक, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से आप 30 नंबर कैरी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर फिर वही पूछा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में था कि ये शांत है या क्या है, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। एक से दो लाइन में ये सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे पॉलीनोमियल दिया गया है, इसका के का वैल्यू निकालना है, तो काफ़ी आसान है। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यक निकालने हैं। चलिए, ये देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे 3√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, यहाँ पे √2, √3 और √5, ये तीनों में से ये देख लीजिए कि पिछले साल कौन पूछ चुका है, और जो भी पूछ लिया है उसको छोड़ के बाकी के दो को आप प्रिपेयर कर लें। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही है, तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हैं, आगे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ईजी हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है जो BTC है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। अगर देख लीजिएगा, पिछली बार जो अगर है वो ये साइन वाला पूछा होगा, तो इस बार ये कन्फर्म है। अगर पिछली बार ये पूछा है तो ये इसी फॉर्म में यहाँ पे जो साइन है वो वाला कन्फर्म है कि आएगा ही, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिगो से है, ये आपका सांख्यिकी है। चलिए आगे आते हैं, ये भी ट्रिगो से है। अब यहाँ से आ गया आपका लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ 28 से लेकर 35 तक कि जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय है, और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे और 20 नंबर ये कैरी करेंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए 28 से 35 तक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 नंबर जो है वो कैरी करेंगे। यहाँ एक जो है वो आपका ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए आता ही आता है, ये कंफर्म है कि आता है, तो ये नॉर्मल सा इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर देना है। और ध्यान रखिए कि इस तरीके की चीज़ें एक ट्रायंगल से या सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम है वो आ ही जाता है, तो आप ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणमिति जो आपका त्रिभुज है और सर्कल है, ये दोनों का जो थ्योरम है वो आप याद रखेंगे। ये भी आपका ट्रिगो से है, ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है ज्यामिति उससे है,
ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। याद रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जो होता है वो कन्फर्म है कि आता ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इस बात को भूलिएगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे 35 तक जो है वो हमारा क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे ये जो हमारा मैथ्स का मॉडल पेपर है वो फिनिश हो जाता है। तो ये एक मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, BSEB, ठीक है, और ये पैटर्न रहने वाला है 2020 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसका। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सॉरी, इस वीडियो का PDF जो है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले वीडियो में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे, यानी कि साइंस, SST या फिर कोई और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।